मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज सुनीता सोनकर, आई एम योर होम साइंस टीचर। बच्चों आज आपको क्लास टेंथ का गृह विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप यह देख लीजिए कि इस बुक को 5 यूनिट में बांटा गया है तथा इसके विषय सूची में 23 चैप्टर हैं जो इस प्रकार से हैं। आज हम इस चैप्टर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो जिसका नाम है शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। बच्चों आज हम आपको यह बताएंगे कि एक परिवार का बजट किस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि हमें आय व्यय और बचत में किसी भी प्रकार से हमें किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसा कि हमें पता है कि मनुष्य के द्वारा जो भी परिश्रम किया जाता है और उसका जो हमें आर्थिक फल मिलता है उसे हम आय कहते हैं, और परिवार की आय जितनी अधिक होती है परिवार के रहन सहन का स्तर भी उतना ही ऊंचा हो जाता है। इसलिए हमें आय पर ध्यान देना चाहिए। परिवार में जितनी हमारी आय होती है उसी के हिसाब से हमें खर्च भी करना होता है। बच्चों परिवार का जो पारिवारिक आय है उसका हम किस तरह से व्यय करना चाहिए हमें जिससे कि हमें किसी भी प्रकार का की समस्या का सामना ना करना पड़े। बच्चों व्यय जो होता है आपका वह भाग जितना आप उपयोगी आवश्यकताओं को पूरा करने में होता है वह हमारा व्यय होता है। बच्चों परिवार का जो बचत होती है जो हमारी पारिवारिक बचत आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा होती हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं बच्चों वो बहुत अधिक हैं और आय हमारी जो होती है वो सीमित होती है। इसीलिए परिवार की आय व्यय को नियोजित करने का आवश्यक तरीका बजट है। जब बजट बनाकर आप व्यय करते हैं तो आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधाएं नहीं होती हैं। इसीलिए बच्चों हमें आय और व्यय, फिर उसके बाद जो हमारी बचत होती है उस पर हमें